फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बेटा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास में। इसको यूज़ किया जाता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल का भी यूज़ करते हैं और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का भी यूज़ करते हैं, तो इसको समझते हैं। स्टेटमेंट वही बहुत सिंपल है कि आपने क्या करना है, एक राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है कुछ इस तरीके से कि फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करे और थंब मोशन के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में आप कंडक्टर को मूव करा रहे हैं, तो आपके जो सेंटर फिंगर है दिस विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा है कि जब आप किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस होता है, तो वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो आप बता सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट आप, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसको एग्जांपल्स, आपको राइट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि फोर फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में, थंब मोशन के डायरेक्शन में, तो सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन बताएगी। एग्जांपल्स इसको समझते हैं, हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड शो किया यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझको फोर फिंगर को अंदर की तरफ करना है, तो मैं फोर फिंगर को अंदर की तरफ कर रहा हूँ। मोशन में इसको दिखाया मैंने, एरो ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आप थंब को ऊपर की तरफ रखेंगे। जब आप, मैं थंब को ऊपर की तरफ रखता हूँ बेटा, तो सेंटर फिंगर किधर पॉइंट कर रही है, सेंटर फिंगर पॉइंट कर रही है राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी इसमें करंट की डायरेक्शन होगी बेटा राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, केस स्टडी में आने के चांसेस हैं कि आपको इस तरह का डायग्राम दे दो और आपसे पूछे करंट की डायरेक्शन किधर होगी। सिमिलरली अगर आपने डॉट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया, डॉट से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन बनाया जाता है और ये नीचे की तरफ चल रहा है, तो अगर मैं अपने राइट हैंड को बेटा स्ट्रेच करूं इस तरीके से, तो फील्ड ऊपर की तरफ दिखाना है, तो ये फोर फिंगर ऊपर की तरफ ली है, थंब को बेटा मैंने नीचे की तरफ लिया है, तो सेंटर फिंगर पॉइंट्स कर रही है राइट टू लेफ्ट, तो इसमें करंट की जो डायरेक्शन इंड्यूस होगी वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। अगर आप इनमें मोशन को अपोजिट करने वाली, इसको अगर नीचे की तरफ ले आए तो करंट इसमें लेफ्ट टू राइट हो जाएगी, और इसको अगर आप ऊपर की तरफ ले जाने लगे इसी फील्ड में, तो करंट की डायरेक्शन इसमें भी लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। और याद रखने के लिए, जैसे मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए बताया था FBI, तो आप यहाँ याद रख सकते हैं MBI से। M मतलब मोशन, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट, तो MBI, M मोशन, B मैग्नेटिक फील्ड, देन I विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप आपको ये बहुत ईजिली वे में समझ में आया होगा।